हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ प्याज और लहसुन के चटपटे पराठे। तो मैंने देखिए फार्म तैयारी करके रख ली है। ये मैंने प्याज काट लिया है, ये हरा धनिया, लहसुन, बारीक हरी मिर्च, सॉरी अदरक, बारीक हरी मिर्च और लहसुन। तो आज मैं बनाऊंगी मसाले वाले प्याज के पराठे। सर्दियों के मौसम में बहुत पसंद किए जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने आटा लगा के रख लिया है और अब मैं बनाने जा रही हूँ प्याज का मसाला पराठों के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और हरा धनिया। ट्राई करें शादी के मौसम में बनाए क्रिस्पी प्याज के पराठे। और ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, वैसे नमक थोड़ा कम ही रखें क्योंकि प्याज में नमक जल्दी तेज हो जाता है और आटे में भी नमक है, तो नमक थोड़ा कम रखें। ये मैंने प्याज में नमक मिला लिया है और अब मैं मिलाऊंगी इसमें बाकी के मसाले। देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है। तो चलिए अब हम इसमें मिलाते हैं मिर्ची पाउडर, थोड़े चटपटे ही रखें, सूखा धनिया पाउडर, ये देखिए मैंने इसमें हरी मिर्च पाउडर और सूखा धनिया मिलाया है। ये इस तरह से चटपटी प्याज बन गई है। पराठों में भरने के लिए हमने प्याज में सारा मटेरियल मिला दिया है। देखिए इसको अच्छे से हम मिला लेंगे जिससे कि ये कहीं ज़्यादा कहीं कम ना रह जाए। और प्याज को बहुत ज़्यादा बारीक और ज़्यादा मोटा ना काटें, मीडियम साइज की प्याज काटिए। मैं आगे भी अपने चैनल में और भी बहुत तरह की पराठे बताती रहूँगी, बहुत तरह की सब्जियाँ बताती रहूँगी। आप मेरे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। मेरे चैनल में आप मेरी पिछली वीडियो देखें, मैंने बहुत सरल इजी रेसिपी बताई है। देखिए ये इस तरह का दिख रहा है, अच्छा चटपटा मसाला बन गया है। मिर्च और धनिया आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर आपका मटेरियल ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी मिर्च मसाले यूज़ कर सकते हैं। देखिए ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं पराठे बनाना। मेरी गैस को मीडियम आंच पे कर दिया है, ये देखिए मेरी गैस मीडियम जल रही है। और आप पराठे भी पराठों का साइज भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे आप थोड़े हैवी पराठे बना सकते हैं या थोड़े पतले पराठे बना सकते हैं, जैसे आप पसंद करते हैं। वैसे थोड़े हैवी ही बनाइए, ये पराठे भरवा पराठे थोड़े हैवी ही अच्छे लगते हैं। देखिए मैं पराठा बेल रही हूँ। ये पराठे आप सब्जी के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। देखिए अब इसमें मैंने ये प्याज का मटेरियल, देखिए इसमें मैंने ये इसको अच्छी तरह से बंद कर दीजिए, इसका अच्छी तरह से पेड़ा बना लीजिए। पहले थोड़ा सा परांठा हाथ से बेल लेती हूँ मैं, उसके बाद फिर बेलन से, जैसे कि परांठा फटेगा नहीं। देखिए मैंने परांठे को बेलना शुरू कर दिया है और मैं परांठा बेल रही हूँ। देखिए परांठा बेल रहा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये चटपटे पराठे आप जरूर ट्राई करें, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपने ट्राई करेंगे तो। देखिए अब मैं पराठा डालने वाली हूँ, तो पहले मैं तवे पर थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ। और देखिए मैं अपना पराठा तवे पर डालूंगी, मैंने पराठा तवे पर डाल दिया है। अब इसे हम मीडियम आँच पे सेकेंगे। आप पराठा दही के साथ खा सकते हैं, तड़का लगी हुई दही के साथ, चाय के साथ खा सकते हैं, किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। ये देखिए गोल्डन ब्राउन पराठा। पराठा हमारा हल्का पच गया है, देखिए हम इसे ऑयल लगाएंगे, जो भी ऑयल आप खाते हो उसे यूज़ कीजिए। मीडियम आंच पे सेकें जैसे कि हमारा जो अंदर मटेरियल है वो अच्छी तरह से सिक जाए। देखिए मैं इसे कल से दबा के सेक रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा से कटा है। देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से।
देखिए हमारा पराठा सिक गया है गोल्डन ब्राउन कलर का। देखिए फ्रेंड्स पराठा सिक गया है, मैं इसे उतार देती हूँ और मैं और पराठे भी सीख के अभी आपको दिखाती हूँ। ओके फ्रेंड्स तो देखिए पराठे सीख रहे हैं, मैंने पराठे सीख लिए हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ प्याज के क्रिस्पी बनाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए प्याज के पराठे, आप जल्द बना के खाएं। और ये है तड़के वाला दही, इसके साथ ठंडी ठंडी दही के साथ गर्मा गर्म प्याज के पराठे, बहुत टेस्टी लगेंगे। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको मेरे पराठे पसंद आई हो और मेरा बनाना आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स और शेयर करें। थैंक यू।